हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं सुपर टेस्टी आलू गोभी, जो सीजन की है और सभी को पसंद भी होती है। और आलू गोभी को मैंने पहले ही काट के रखा है। और ये रहे टमाटो, फटाफट से हम इसको कर लेते हैं फाइन चॉप। ये देखिए, ये मैंने दो बड़े टमाटर लिए थे, ये देखिए इसका कटर निकाल देते हैं हम। और मैंने 8 हरी मिर्च फाइन चॉप करी है, क्योंकि आलू गोभी हम थोड़ा सा स्पाइसी बनाएंगे, क्योंकि इसको हम पराठे के साथ खाएंगे तो ये बहुत टेस्टी लगती है और थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए। तो उसी के साथ हम ले लेते हैं एक कढ़ाई और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे रिफाइंड। और रिफाइंड को करना है हमें तेज गरम। और जैसे ही रिफाइंड हो जाए तेज गरम, हम उसके अंदर ऐड कर देंगे आधी चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग और ग्रेट करा हुआ अदरक। ये मैंने चॉप नहीं करा, इसको ग्रेट कर दिया है। और अदरक थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये हरी मिर्च भी हमने कर दी है इसके अंदर ऐड। और इसको सिम गैस पे हमें बहुत अच्छे से भून लेना है, जिससे कि ये जो हरी मिर्च अदरक हमने डाली है वो अच्छे से बन जाए। और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे तेजपात के पत्ते। ये बड़े साइज के पत्ते थे तो इसलिए मैंने यूज़ करे हैं 4। अगर आपके जो तेजपात के पत्ते हैं वो छोटे हों तो आप क्वांटिटी 6 से 8 ले सकते हैं। तो ये देखिए, मसाला बहुत अच्छे से भून रहा है सिम गैस पर। और जब ये मसाला अच्छे से भून जाए, ये देखिए ये भून चुका है, तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटो। ये टमाटो प्यूरी मैंने यूज़ नहीं करी, मैंने इसको फाइन चॉप करके यूज़ करा है। अगर आप यूज़ करना चाहें तो टमाटो प्यूरी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, हम सारा टमाटर जो हमने चॉप करा था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम कर देंगे इसको अच्छे से मिक्स। और इसको तो हमें थोड़ा सा बनाने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये टमाटर है, और जब तक ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए इसको हमें सिम गैस पर भूनते रहना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो मसाला है वो थोड़ा सा रेडी हो रहा है। और उसी के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सॉल्ट। अगर आपको जल्दी से मसाला भूनना है तो आप उसके अंदर सॉल्ट का यूज़ करिए, तो मसाला जो है वो जल्दी से भून जाता है। तो ये हमने सॉल्ट ऐड कर दिया। सॉल्ट ऐड करने के बाद नेक्स्ट हम कर देंगे इसके अंदर हल्दी। हल्दी हमने ली है आधी चम्मच से भी बहुत कम, वो चम्मच बड़ी थी इसलिए कम, और अगर थोड़ी सी चम्मच छोटी हो तो वो फुल चम्मच जाएगी। हल्दी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे सूखा धनिया पाउडर 1 चम्मच, एक और चम्मच, ये 2 चम्मच हमने इसके अंदर कर दिया है ऐड। और उसके बाद 1 चम्मच लाल मिर्च मैंने ऐड करी है, क्योंकि हमें जो वेज है थोड़ा स्पाइसी बनाना है, तो मैंने एक के बाद मुझे लगा कम है तो मैंने दूसरी चम्मच भी ऐड कर दी, चम्मच मीनिंग लाल मिर्च। तो इन सभी मसालों को ऐड करने के बाद अब टाइम है इनको अच्छे से मिक्स करने का। और ये देखिए, मसाला बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मसाला अच्छा लग रहा है तो आलू गोभी भी टेस्टी बनेगी। और हमने इसमें प्याज लहसुन अदरक कुछ भी नहीं ऐड करा है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, क्विक रेसिपी है, और ये बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। आप देख सकते हैं जो मसाला है वो बहुत अच्छे से भुन गया है, जो चिकनाई है वो ऊपर फ्लोट कर रही है। इससे पता चलता है कि जो मसाला है वो बहुत ही अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू और गोभी। आलू गोभी, आलू तो मेन होता है कि अगर आप भिगो के रखेंगे तो वो काले नहीं पड़ते, अगर आप गोभी को भिगो के रखेंगे तो गोभी का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा वाइट आता है। तो इसीलिए मैं इन दोनों को पहले ही भिगो कर रख देती हूँ 1 से 2 घंटे के लिए। और अगर आप हैंड टू हैंड गोभी चॉप करके ऐड करेंगे तो वो इतना वाइट कलर में नहीं रहती। तो जब भी आप आलू गोभी बनाएं तो गोभी को भिगो कर 1 से 2 घंटे के रखने के बाद ही आप इसको यूज़ करिए। तो ये हमने आलू गोभी कर दिए हैं इसके अंदर ऐड। और अब कर देते हैं हम इनको अच्छे से मिक्स, आलू गोभी को मसाले के अंदर, जिससे जो मसाला है वो बहुत ही अच्छे से सब पे लग जाए आलू गोभी पे, और आलू गोभी बने बहुत ही टेस्टी। और आलू गोभी मेरी फेवरेट है। और इसके अंदर हम कर देते हैं थोड़ा सा वाटर ऐड। और अब कर देंगे इसको एक बार दोबारा से अच्छे से मिक्स, क्योंकि अब जो मसाला है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस पे लग जाएगा। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको
5 मिनट के लिए ढककर बनाएंगे। और अब हो चुका है टाइम, तो अब चेक कर लेते हैं इसको। ये देखिए, इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। और अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, तो अभी हम इसको दोबारा से ढककर 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आलू गोभी किस किस की फेवरेट है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये देखिए, अब 2 मिनट भी हो चुके हैं। अब हम आलू गोभी को कर लेते हैं फाइनली चेक। यस, अब आलू गोभी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी लग रही है, ये देखने में टेस्टी लग रही है। तो ये देखिए, आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं है। आलू गोभी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। और अब टाइम है इसमें धनिया ऐड करने का। अगर आपको धनिया क्रंची चाहिए तो आप आलू गोभी को ठंडा होने के बाद उसके ऊपर स्प्रिंकल कीजिएगा, बट मैंने गरम गरम में कर दिया है धनिया थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए। और क्योंकि हमें इसको लास्ट में थोड़ा सा धनिया से गार्निश करना है इसीलिए। और अब हम इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स। धनिया जो है वो आलू गोभी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आलू गोभी की रेसिपी आज की बहुत ही सिंपल है और टेस्टी है। और अगर आप खाना चाहें तो आलू गोभी को पूरी के साथ खाइए, अगर आप खाना चाहें तो आप इसको ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। आलू गोभी हो चुकी है रेडी और टाइम है इसको सर्व करने का। तो अब हम कर लेते हैं इसको सर्व। सर्व करने के बाद टाइम है इसको थोड़ा सा धनिया से गार्निश करने का, तो वो हम कर लेते हैं। और इसी के साथ आज की आलू गोभी हो चुकी है बिल्कुल रेडी। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही सिंपल है। वीडियो और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंजॉय टेस्टी डिलीशियस आलू गोभी।